ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होगा और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहेंगे जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर और बीच बीच में होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कह सकते हैं। ठीक है ना, जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं उसी टाइप से पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे और कोई भी एटम कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है ना, यहां तक बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें मेनली ये देखना है कि इन्होंने क्या क्या ये एक्सप्लेन कर पाए थे और कौन कौन सी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है ना, तो आप इसमें देखो, दिस मॉडल कोड एक्सप्लेन थर्मोआयनिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, आयोनाइजेशन, बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है ना, स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रम तो आप लोग समझते होंगे, बैंड ऑफ कलर। ठीक है ना, कलर का जो कॉम्बिनेशन, जैसे विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करें तो 7 कलर जो हम एक साथ दिखाई दे रहे हैं वो कहलाते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, तो अभी हाइड्रोन स्पेक्ट्रम के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इन सब के बारे में ये नहीं बता पाए थे। ठीक है, इसके बाद है रदरफोर्ड मॉडल, ये दिया गया था 1911 में। ठीक है ना, इस पे सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली। ठीक है ना, गोल्ड का यूज क्यों किया, क्योंकि गोल्ड को आप उसको पीट पीट के पतला कर सकते हो। ठीक है ना, बहुत पतली गोल्ड की सीट ली और इतनी पतली सीट ली कि उसमें एक जगह पर सिर्फ एक ही एटम हो। ठीक है, जैसे हम आपसे बोले कि अगर कोई इतनी मोटी सीट ली होगी तो इसमें क्या होगा, एक एटम यहां पर है, इसके पीछे भी एक एटम है, बहुत सारे एटम एक लाइन में अरेंज है। ठीक है ना, अब आप इसको पतला करते जाओ तो एटम कैसे होंगे, धीरे धीरे कम होते आएंगे और लास्ट में इतना पतला कर दिया कि इसके ना तो कोई इस तरफ कोई एटम हो ना इस तरफ एटम, मतलब एक सिंगल एटम बन जाए। ठीक है ना, इतनी पतली सीट हो कि ये सिंगल एटम बन जाए। ठीक है ना, और इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाई। ठीक है, एक गोल्ड की सीट ली एक गोल्ड फॉयल है। ठीक है ना, बहुत पतली, जितना पतला कर सकते थे उतनी पतली सीट है। इसकी वैल्यू रखी गई थी 10^-8 मीटर। ठीक है ना, जो एक्सपेरिमेंट में वैल्यू थी ये थी 10^-8 मीटर। ठीक है, और इसके सामने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स रख दिया। ठीक है, एक इस तरह का सोर्स रख दिया जो अल्फा पार्टिकल इमिट करता हो। ठीक है, रिएक्टिव एलिमेंट है, इससे अल्फा पार्टिकल अपने आप निकलते रहते हैं। ठीक है, तो बिस्मिथ को एक लेड की सीट के अंदर, ये लेड है, ठीक है ना, और लेड की प्रॉपर्टी होती है कि वह बिस्मिथ को एब्जॉर्ब करता है। तो यहां से क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल तो हर डायरेक्शन में निकल रहे हैं, तो जो पार्टिकल इस तरफ निकलेंगे वो सब एब्जॉर्ब कर लिए। अभी सारे के सारे, एक सामने एक ओपनिंग है, ठीक है ना, तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल इसी ओपनिंग से जा रहे हैं। इसमें भी क्या हो सकता है, कुछ अल्फा पार्टिकल यहां से किसी एंगल पे निकल जाएं। ठीक है, तो इसके लिए इसके सामने दो लेड की ब्रिक्स लगा दी, कुछ लेड की ब्रिक्स लगा दी, इससे क्या होगा, अगर अल्फा पार्टिकल किसी एंगल पर जाएंगे तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है ना, अब अल्फा पार्टिकल यहां से जो सीधी बीम होंगी वो निकलेंगी। ठीक है ना, ये गोल्ड फाइल के ऊपर जा रही। अब इसके सामने एक लगाया डिटेक्टर, डिटेक्टर कैसे बनाया, जिंक सल्फाइड का। ठीक है ना, इस तरह का एक बनाया डिटेक्टर, ठीक है। अब जिंक सल्फाइड में क्या होता है, अगर अल्फा पार्टिकल इससे स्ट्राइक करेगा तो वहां पर एक फ्लैश आएगा, एक चमक आएगी। ठीक है ना, तो जब रदरफोर्ड इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे तो उनको पहली बार में ऐसा लगा कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल यहां से पास हो गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। ठीक है, और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया। ठीक है, इसके बाद इनके दो स्टूडेंट थे, गीगर और मास्टर। ठीक है, तो ये लैब में उनका अरेंजमेंट था, रदरफोर्ड एक प्रोफेसर थे और ये दो इनके स्टूडेंट थे। ठीक है, तो इसी एक्सपेरिमेंट को वो करते रहे लैब में जाके, और बाद में जाके कभी चर्चा हुई होगी। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने बात की कि भाई हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था और सारे के सारे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को पार होके निकल गए थे।
ठीक है ना। अच्छा अल्फा पार्टिकल होते क्या है? अल्फा पार्टिकल कहलाते हैं हीलियम के न्यूक्लियस, ठीक है ना। हीलियम में क्या होगा? 2He4, ठीक है। इसमें दो होंगे प्रोटॉन, दो होंगे न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकाल दो तो जो कुछ भी बचेगा वो कहलाएगा अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस है, एक हैवी पार्टिकल है, ठीक है ना। और उनको ऐसा लगा कि जब ये हैवी पार्टिकल यहां से आ रहे हैं तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल इसको क्रॉस करके निकल गए और कोई भी अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। यहां तक बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आपको थोड़ा याद क्या रखना है इसके बारे में, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होगा? 2p, दो प्रोटॉन के बराबर, ठीक है ना। और मास कितना होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है इक्वल, तो 4m। अगर एक प्रोटॉन का मास है m तो 4 न्यूट्रॉन या प्रोटॉन मिला के कितना हो गया? 4m, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां से देखो, तो जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो उनको ऐसा लगा कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे निकल गए। लेकिन गीगर मास्टर ने जब एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने डाटा रिकॉर्ड किए, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि इस डाटा से होना क्या है, ठीक है ना। बाद में इनकी चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि नहीं सर, कुछ पार्टिकल तो लौट के भी आए थे और कुछ पार्टिकल कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट भी हो रहे थे, ठीक है। जब ये पता चला तो फिर से एक्सपेरिमेंट को किया गया, ठीक है ना। और उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशन मिले, ठीक है ना। वो ऑब्जर्वेशन क्या क्या थे देखो, इन्होंने ये देखा कि पहले तो एक ग्राफ खींचा, किस किस के बीच में ग्राफ, यहां से पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो एक्चुअल में इसको थोड़ा सा हम समझाने के लिए दूसरे तरीके से यूज कर रहे हैं। देखो ये हो गया गोल्ड का न्यूक्लियस, ठीक है ना। पास में आ रही कि नहीं आ रही? इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 79। तो अंदर 79 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। अब आप यहां से देखो, इस न्यूक्लियस पर अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, तो जो अल्फा पार्टिकल थोड़ा सा दूर से आ रहे होंगे, ठीक है, इसमें कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा, सॉरी कोई भी रिपल्शन फोर्स नहीं लगा, तो ये सीधे निकल गए। जो दूर से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं वो पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए। जो पार्टिकल थोड़ा सा इसकी रेंज में आएंगे, ये वाला अल्फा पार्टिकल है, तो दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स आ गया और ये इसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है ना। जो अल्फा पार्टिकल इसके न्यूक्लियस के पास से निकलेंगे उसको ये डिफ्लेक्ट कर देगा, जो और जाना पास होंगे वो और जाना एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ये और जाना एंगल पर डिफ्लेक्ट होंगे। और जो पार्टिकल न्यूक्लियस के बिल्कुल सामने जा रहे हैं तो ये अल्फा पार्टिकल उसी पाथ पर वापस हो जाए, वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें एक ग्राफ ड्रॉ किया गया, किस किस के बीच में नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, और एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ये कहलाता है एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है ना। और इससे जो ग्राफ मिला थीटा और यहां से नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ आया। बहुत सारे पार्टिकल तो सीधे निकल गए थे, ठीक है ना। अब उन्होंने ये देखा कि कितने एंगल पर कितने पार्टिकल आ रहा है और उससे कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन आप सुन रहे हैं, पहला ऑब्जर्वेशन था मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी कोलिजन, ठीक है ना। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो बिना किसी कोलिजन के, बिना किसी डिफ्लेक्शन के बिल्कुल सीधे सीधे निकल गए, ठीक है ना, अधिकतर अल्फा पार्टिकल। इसके बाद सम ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, स्कैटर्ड मोर देन 1 डिग्री, थोड़े से अल्फा पार्टिकल 1 डिग्री के एंगल या उससे जाना पर डिफ्लेक्ट हुए, और ये कितना परसेंट था? 0.14% पार्टिकल ऐसे हुए जो 90 डिग्री के एंगल से जाना एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए और नियर अबाउट
1 in 8000, 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा हुआ जो अपने ही पाथ को फॉलो करके रिटर्न हो गया। ठीक है, देखो यहां से जो अल्फा पार्टिकल सीधे होके जा रहे हैं, ठीक है, तो इस डिवाइस को कहते हैं कॉलिमेटर। ठीक है ना, फिजिक्स में जिसका काम भी बीम को सीधा करना होता है वो कहलाते हैं कॉलिमेटर। ठीक है ना, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलो अब आप इसके बाद देखो, इससे कंक्लूजन क्या निकला, इन सभी ऑब्जर्वेशन से इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला। अच्छा, इसमें ये डाटा भी उन्होंने लिए कि कितने एंगल पर कितने पार्टिकल अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन निकला, सबसे पहले ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ एटम एंड एंटायर पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है ना, मतलब किसी भी एटम का पूरा मास, ठीक है ना, कितना मास, नियर अबाउट 99.95%, 99.95% मास और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज किसी बहुत छोटी सी जगह पे रखा हुआ है। ठीक है, अगर एक अल्फा पार्टिकल भी लौट के वापस आ रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट से जाके टकराया होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जैसे हम यहाँ पे ये बोतल रखें, ठीक है, और आप लोगों से बोले वहां से एक बॉल इसमें फेंक के मारो, ठीक है ना, और आप अगर बॉल वहां से फेंक के मारेंगे तो क्या होगा, बॉल इसमें जाएगी और ये बोतल और बॉल दोनों नीचे गिर जाएंगी। ठीक है ना, लेकिन अगर आप वही बॉल एक दीवार में मारेंगे तो क्या होगा, वो टकरा के वापस चली आएगी। ठीक है ना, तो बॉल वापस कब जाएगी, जब ये बहुत हैवी बॉडी से टकराएगी। ठीक है ना, तो अगर अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस गए, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट से टकरा के गए हैं। ठीक है ना, और ये कब पॉसिबल है, जब पूरा का पूरा मास, एटम का पूरा मास एक छोटी सी जगह पर कंसंट्रेट हो। ठीक है ना, तो इन्होंने ये बताया, इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज कर ली थी, इन्होंने ये बताया था कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जहां पर इसका पूरा का पूरा मास और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, और ये टोटल मास का 99.95% होता है। ठीक है ना, तो इससे क्या कंक्लूजन क्या निकला कि न्यूक्लियस का लगभग पूरा का पूरा मास, ठीक है ना, 99.95% मास और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक बहुत छोटी, ठीक है ना, बहुत छोटी सी जगह कंसंट्रेट होगा। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसके बाद द साइज ऑफ एटम इज ऑर्डर ऑफ 10^-10 मीटर। ठीक है, एटम की साइज इन्होंने फाइंड की 10^-10 मीटर। ठीक है, और न्यूक्लियस की साइज इन्होंने फाइंड की 10^-15 मीटर। ठीक है ना, न्यूक्लियस की साइज से एटम की साइज लगभग 1,00,000 गुना जाना थी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से साइज भी निकाल दी। ठीक है ना, ठीक है, इसके बाद है द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नॉन एज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे, ये कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे होंगे। ठीक है ना, कितने रेडियस में घूम रहे, कहाँ घूम रहे, ये सब नहीं बता पाए थे। ठीक है ना, बस उन्होंने ये कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसकी रेडियस क्या है, कहाँ घूमते हैं, ठीक है ना, ये सब इनको कुछ नहीं मालूम था। ठीक है ना, और उसका बहुत सारा एरिया खाली है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस हो गया, बहुत सारा एरिया खाली है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, कौन सी रेडियस में घूम रहे, कहाँ घूम रहे, ये सब कुछ नहीं मालूम। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब उन्होंने कहा भाई अगर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो घूमने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो होगा उससे इनको घूमने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स मिलेगा। ठीक है, जैसे सन के चारों तरफ अर्थ और दूसरे प्लैनेट घूमते हैं, तो इसी से इनके दिमाग में ये आइडिया आया। ठीक है ना, कि सन के चारों तरफ अर्थ भी घूम रही, दूसरे प्लैनेट भी घूम रहे, लेकिन कोई भी प्लैनेट सन के अंदर गिर नहीं रहा। ठीक है ना, तो यहां तक बात समझ में आ रही? तो ऐसे ही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से सेंट्रीपेटल फोर्स मिलेगा और उस सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से ये घूम रहे होंगे। यहां तक बात के लिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड होगा, ठीक है,
तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी और वो एनर्जी को रेडिएट करेगा। ठीक है, अब आप ये देखो, अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे, ठीक है, अगर ये चल रहे हैं तो इनकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही, ठीक है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहेगी तो इसमें क्या आएगा, एक्सीलरेशन आएगा। ठीक है, मतलब ये हो गया एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, और अगर एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो ये एनर्जी को एमिट करता रहेगा, एनर्जी को लगातार छोड़ता रहेगा, ठीक है ना, और अगर इसकी एनर्जी लगातार कम होती रहेगी तो फिर इसको कॉन्स्टेंट रेडियस में नहीं घूमना चाहिए, ठीक है ना, इसकी रेडियस लगातार कम होना चाहिए, ठीक है ना, और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, ठीक है ना, इसका मतलब है एटम को स्टेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, जबकि एटम तो स्टेबल होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम, ठीक है ना, डायमीटर क्या होगा, देखो ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है ना, और जो पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल इसके न्यूक्लियस के सामने जाएंगे, ये इसमें टकराकर या उसके पास जाके यहां से लौट जाएंगे, ठीक है। अब अगर अल्फा पार्टिकल बहुत दूर से आया तो इन दोनों में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, तो ये सीधा निकल आएगा, ठीक है ना, थोड़ा कम दूरी पर है तो इन दोनों में एक रिपल्सन फोर्स लगेगा जिससे ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके अगर पास में है तो ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट होगा, और अगर न्यूक्लियस के सेंटर पर ही जा रहा है तो सबसे हाई एंगल या 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की जो लाइन है, ठीक है ना, इसके साथ वेलोसिटी वेक्टर, ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये कहलाता है इंपैक्ट पैरामीटर। सुन लो, द इंपैक्ट पैरामीटर इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के सेंटर से अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये कहलाता है इंपैक्ट पैरामीटर। क्लियर है इतना, और इंपैक्ट पैरामीटर का फार्मूला आपको लर्न करना है, बी इक्वल टू, इसको आप लोग नोट कर लें, 1/4πε0 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 ओवर ई, और ई का मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसको नोट कर लो। ई की वैल्यू कितनी होगी, 1/2mv² और थीटा कहलाता है एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है ना, थीटा कौन सा एंगल होगा, ये अल्फा पार्टिकल यहां से आ रहा, अगर ये सीधा निकलता, ठीक है, लेकिन इसके इफेक्ट के कारण ये मुड़ गया, अगर न्यूक्लियस नहीं होता तो ये अल्फा पार्टिकल सीधा जाता, ठीक है, कहां जाना चाहता है और कहां चला गया, दोनों के बीच का एंगल, ये कहलाएगा एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो ई कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, जब ये न्यूक्लियस से दूर है इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ठीक है ना, इसके पास में आता जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कम होती आएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होती आएगी, ठीक है ना। तो जब ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड की न्यूक्लियस से दूर है, ठीक है, या आप इसको लिख सकते हो जेड ई, ठीक है, यहां से जब ये दूर है तो उस समय जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो कहलाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ई इक्वल टू 1/2mv², ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो इससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से क्या होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी जाना होगी तो बी की वैल्यू क्या होगी, कम, ठीक है ना, इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू कम होगी। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, इसको समझ लो, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के बिल्कुल सामने आ रहे हैं, ये एक निश्चित डिस्टेंस तक जाके इस पर रिपल्सन फोर्स लगेगा, और ये कितने पास तक इसके जा पा रहे हैं, ठीक है ना, कितने क्लोज इसके जा पा रहे हैं, ये कहलाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, इसको हम यहाँ पर डी से डिनोट करेंगे, ठीक है, अल्फा पार्टिकल यहां तक आके रुक गया, इसके बाद रिटर्न हो गया, ठीक है, तो डी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, जब ये अल्फा पार्टिकल थोड़ा इससे दूर है, ठीक है,
तो इसमें कौन सी काइनेटिक, तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और जैसे ही इसके सबसे पास में आता है, यहां पर आके रुक गया, तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। और जब ये यहां पर आके डी डिस्टेंस पर आके रुक जाएगा, तो इस समय इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कि क्यू वन क्यू टू ओवर डिस्टेंस, डिस्टेंस को अगर डी ले रहे तो डी ले लो, आर लेना हो तो आर ले लो, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही। अब इसकी वैल्यू पुट करो, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू, के की वैल्यू होती है वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू वन की वैल्यू क्या होगी, टू ई, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होगा, टू ई, और क्यू टू की वैल्यू क्या होगी, जेड ई ओवर डी, ठीक है। डी की वैल्यू आप यहां से फाइंड कर सकते हो, डी इक्वल टू होगा वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू ई जेड ई ओवर, इसको के ही लिख दें, ओवर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये कहलाएगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच,